he's a professional because वो काफी टाइम से म्यूजिक डायरेक्शन कर रहे हैं. ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑफ इंडिया. सो उनके पास टैलेंट तो है ही. एंड प्लस ये ऑफर एक ऑफर की तरह नहीं आया था, बिकॉज दिस इज़ फैमिली टू मी. एंड यू नो जब आपके करीब इतना कोई होता है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती है. यू जस्ट ट्रस्ट दैट पर्सन एंड यू वॉन्ट टू यू नो सी देम राइजिंग. तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं इस वीडियो पे काम करूं, और सिर्फ अपने लिए नहीं पलाश के लिए काम करूं, बिकॉज आई रियली वांट हिम टू डू वेल इन लाइफ. एंड हम लोगों ने सबने मिलकर इतनी मेहनत की, तो अब रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा आएगा उसका. पर जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे ऐसे लगा, अरे ये तो एकदम छोटे हैं और ये डायरेक्ट करने जा रहे हैं, और मैं पहली बार मिल रही थी, तो मेरे लिए बहुत एक्सपीरियंस काउंट होता है. कई बार हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा जिनके साथ मैंने काम किया वो सारे ओल्ड थे और उम्र में काफ़ी बड़े थे, तो मेरा एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा. जब मैं मिली इतना प्रोफेशनली, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट बताई, स्क्रिप्ट हाथ में दी, और सब कुछ क्लियर था, और शूट डेट के बारे में पूछा, तो मैंने कहा कि मैं बताती हूँ. एंड आई वॉज सो इम्प्रेस्ड. मैंने बोला एक्चुअली आई एम लकी, आई शुड डू दिस, और मैंने ये किया. हाँ, नंदिश ने जब जिक्र किया था तो मुझे बताया था कि ऐसे एक म्यूजिक एल्बम है और नाइस सॉन्ग मैंने सुना है ऐसा, पर बताता हूँ तो ऐसे करके कुछ बात की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज रिजल्ट भी हाथ में, एवरी थिंग वेंट सो स्मूथली. एंड पलाश इज़ वेरी टैलेंटेड, तो मैंने उनसे कहा भी था कि आई वॉज स्पीचलेस, मेरे पास बोलने के लिए कई बार तारीफों के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं.